नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। 2024 के लोकसभा चुनाव की बात कर ली जाए तो यहां पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एक बड़ा सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। एक तरफ कैसरगंज लोकसभा सीट को लेकर विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के तमाम फैसलों पर यहां सवाल खड़े कर रहा है, तो पार्टी संगठन के नेता भी कैसरगंज लोकसभा सीट से बृजभूषण शरण सिंह को चुनावी मैदान में उतारकर खुश नजर नहीं आ रहे। बृजभूषण शरण सिंह खुद 6 बार सांसद रह चुके हैं। एक बार उनकी पत्नी केतकी सिंह सांसद बनी, उनके बेटे विधायक हैं और दूसरे बेटे सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। महिला यौन शोषण के आरोपों में घिरे बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप तय हो गए हैं। इसके साथ साथ बृजभूषण शरण सिंह ने आरोप लगाते हुए ये कहा है कि मेरे खिलाफ यहाँ साजिश रची गई है। लेकिन बीजेपी इस षड्यंत्र में फंसने से बच सकती थी, क्योंकि अपना यादव जो कि यादव परिवार की छोटी बहू है और इस वक्त बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है, उनको यदि रायबरेली या केसरगंज लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतार दिया जाता तो यहाँ पर जो हालात हैं वो विपरीत नजर आ सकते थे। इसे एक अच्छा संकेत जा सकता था, इसे भारतीय जनता पार्टी संगठन को लेकर के कहीं ना कहीं मजबूती मिल सकती थी। आपको बता दें कि अपना यादव ने कैसरगंज और रायबरेली सीट से लेकर चुनाव लड़ने की यहां पर इच्छा जाहिर की थी, लेकिन बीजेपी हाईकमान उनको मैनपुरी लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ाना चाहता था। लिहाजा अपना यादव ने पारिवारिक संबंधों को खराब करने का हवाला न देते हुए यहाँ पर साफ कर दिया कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगी मैनपुरी से। ऐसे में अब आजमगढ़ लोकसभा सीट पर चुनावी मतदान संपन्न होना है। चुनावी मतदान में समाजवादी पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र यादव लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने दिलेश लाल यादव निरहुआ की चुनौती पेश की जा रही है, लेकिन अपर्णा यादव और प्रतीक यादव अब लोकसभा चुनाव को साधने के लिए धर्मेंद्र यादव का समर्थन करते नजर आ सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के यहाँ पर दिग्गज नेता शिवपाल यादव ने यह कह दिया है कि हमने अपना यादव को लेकर के ये साफ कर लिया है कि जल्द ही हम समाजवादी पार्टी में उनकी वापसी करवाने वाले हैं और परिवार को एकजुट होकर के आगामी राजनीतिक समीकरणों पर चर्चा की जाएगी। यदि समाजवादी पार्टी में अपना यादव फिर से शामिल हो जाती हैं तो उनके राजनीतिक भविष्य को 4 चांद लग सकते हैं। उन्होंने कहा है कि पूरा समाजवादी परिवार हमारी पार्टी के दम पर ही आगे बढ़ा है और ऐसे में हम उत्तर प्रदेश में नए विकास की गाथा लिखने को लेकर तैयार नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि शिवपाल यादव, डिम्पल यादव की इन कोशिशों के बाद क्या अपना यादव समाजवादी पार्टी का दामन फिर से थामने वाली है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।